अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बी कॉम पार्ट वन नाइन ट्रेडिंग के क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर ए, दिस आइटम इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर रुपीज 400। जब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर, तो ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन को हम माइनस करें सब्सक्रिप्शन में से। ऊपर पॉइंट नंबर ए सब्सक्रिप्शन के सामने लिखा हुआ है, तो उसमें से ये सब्सक्रिप्शन माइनस हो जाएगी। दूसरा, ये सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और ये रिसीवेबल थी पिछले साल, लेकिन इस साल वसूल हुई, पिछले साल वसूल नहीं हुई थी। इस वजह से ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इसको हम एज ए एसेट लिखेंगे, इस सब्सक्रिप्शन 400 को ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये दो ट्रीटमेंट याद रखिएगा। पॉइंट बी की जो एडजस्टमेंट है, उसमें वो कह रहा है कि रुपीज 100 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड इन द प्रीसीडिंग पीरियड है। ये प्रोसीडिंग नहीं है, ये प्रीसीडिंग पीरियड। प्रीसीडिंग का मतलब प्रीवियस। तो बी पॉइंट भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और ये ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसके सामने बी लिखा हुआ है। तो आपने इस इंटरेस्ट को प्रीवियस ईयर का कंसिडर करना है और ऊपर वाले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में से इसको आपने माइनस कर देना 100 को, और ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन कर देना। पॉइंट सी में भी जो है वो 200 के अमाउंट है और वो कह रहा है कि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। अब ये किससे रिलेटेड है, ऊपर देखेंगे। पॉइंट जो सी है वो ऊपर अपकीप ऑफ ग्राउंड के सामने सी लिखा हुआ है, तो ये उससे रिलेटेड है। इसका मतलब ये एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो अब हम अपकीप ऑफ ग्राउंड जिसके सामने सी लिखा हुआ है, उसमें से पॉइंट नंबर सी की अमाउंट 200 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो माइनस हमने कर दिया। अब ये एक्सपेंस है, तो ये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, इस वजह से ओपनिंग बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड के नाम से लिखेंगे। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर डी की तरफ। एडजस्टमेंट नंबर डी में आपको ये बताया गया कि दिस आइटम इंक्लूड रुपीज 100 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर। ये भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ये भी माइनस होगा, लेकिन ये किससे रिलेटेड है। ऊपर वेजेस टू ग्राउंड मैन के सामने लिखा हुआ है डी, तो इसका मतलब है इसको, चूंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसको हम वेजेस टू ग्राउंड मैन में से माइनस कर देंगे एक्सपेंडिचर वाली साइड पे। और चूंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और एक्सपेंस है, तो ये प्रीवियस ईयर तो पे नहीं हुआ था, आउटस्टैंडिंग था, तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में इसे एज ए लाइबिलिटी जो है वो ट्रीट करना है। अब आपका जो है वो एडजस्टमेंट का के ए बी सी और डी पॉइंट के बाद जो पैराग्राफ है, उसमें जो दिए गए आइटम है, अदर लेजर बैलेंसेज एट द कमेंसमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एट द कमेंसमेंट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ये है कि साल के शुरू में, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कमेंसमेंट का मतलब ये, इसका मतलब ये सारे आइटम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो पहले तो हम इन तमाम आइटम्स को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैपिटल फंड है 40,500 का, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये पिछले साल का सरप्लस है, तो ये पिछले साल के कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐड होगा। क्लब प्रीमिसेस एंड ग्राउंड, ये आपकी लैंड है, ये भी एसेट है, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है वो एसेट साइड में मेंशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट 10,000 की, ये भी एसेट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट है। और फर्नीचर एंड फिक्सर, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट है। अब कुछ एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज के ऊपर हैं, जिसमें सबसे पहले है एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब यह है कि जब आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो आपने एंट्रेंस फी को कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, इनकम साइड पे नहीं लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। नेक्स्ट है जी द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 31 दिसंबर 2017 वर वेजेस 200। अब ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हैं वेजेस की, इसका मतलब ये है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है। एक तो ये लाइबिलिटी है, इनको हमने लाइबिलिटी ट्रीट करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दूसरा, ये एक्सपेंस हैं, तो इनको हम वेजेस में जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद है सन्डरी रिपेयर्स रुपीज 50 के। सन्डरी रिपेयर्स भी आउटस्टैंडिंग हैं, तो ये भी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट होंगे, और सन्डरी रिपेयर में एक्सपेंडिचर वाली साइड पे सन्डरी रिपेयर में ऐड भी होंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने इनको लाइबिलिटी के तौर पर लाइबिलिटी साइड पे भी ट्रीट करना है। उसके बाद है इंटरेस्ट एक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रुपीज 150।
अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग रुपीज 150। इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो इस साल का रिसीवेबल है, इंटरेस्ट है, इनकम है, रिसीवेबल है, तो एक तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। दूसरा ये इंटरेस्ट है, इनकम है, तो इसको हम इंटरेस्ट में ऐड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम वाली साइड पे। दो ट्रीटमेंट होगी, एक ही एसेट ट्रीट होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दूसरा इसको हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है उसमें इसको ऐड भी कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएट फर्नीचर 5%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10%। अब जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे फर्नीचर के ऊपर, तो जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट वाला फर्नीचर होगा और अगर हमने कोई नया फर्नीचर खरीदा होगा तो वह हम दोनों फर्नीचर जो है वो ऐड करेंगे और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। इस तरह स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी अगर हमने पेमेंट वाली साइड पे जो इक्विपमेंट पड़ी होंगी वो नई खरीदी होंगी वो भी, और ओपनिंग बैलेंस शीट वाली इक्विपमेंट भी, दोनों को ऐड करके 10% डेप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। फर्नीचर की भी 5% पुराने और नए फर्नीचर को ऐड करके, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेनी है 10% और पुरानी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और नई वाली को ऐड करके। अब ये तो एक एक ट्रीटमेंट हो गया डेप्रिसिएशन का एसेट में से माइनस होने वाला। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि ये दोनों डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर वाली साइड पे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट के नाम से जो है वो मेंशन की जाएगी। अब जो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं एडजस्टमेंट के बाद। सबसे पहले बैलेंस 1 जनवरी 2017 को है, ये आपका ओपनिंग कैश है, इसको आपने जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश के नाम से लिखना है। एंट्रेंस फी आप पढ़ चुके हैं, इसको कैपिटलाइज करना है, इसको अपने कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। सब्सक्रिप्शन में आपने एडजस्टमेंट कर लिए हैं, इनकम साइड पे एडजस्टमेंट होंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। प्रोसीड ऑफ कंसर्ट्स, कंसर्ट से आपको कुछ इनकम हुई है, टिकट्स आपकी बिकी होंगी, ये भी आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी इनकम है, इसमें भी सारी एडजस्टमेंट आपने करनी है। अब पेमेंट साइड पे आ जाएं, पेमेंट साइड पे सेक्रेटरी सैलरी है, ये आपका एक्सपेंस है। अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, ये भी एक्सपेंस है। वेजेस टू ग्राउंडमैन, ये भी एक्सपेंस है। ग्राउंड रेंट, ये भी एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड पोस्ट, ये भी एक्सपेंस है। सन्ड्री रिपेयर, ये भी एक्सपेंस है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड पे ये सारे आइटम आएंगे। जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे वो एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी को वैसे एक्सपेंडिचर साइड पे मेंशन कर देंगे। सन्ड्री रिपेयर के बाद अगला आइटम है 31 दिसंबर 2017 को बैलेंस। ये 5100 का जो बैलेंस है ये क्लोजिंग कैश है, इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो है वो एसेट साइड पे कैश के नाम से लिखना है। अब एक नज़र जो है इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को देखिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जो ग्रीन मार्कर के साथ आइटम्स हैं ये सारे एडजस्टमेंट वाले हैं, यानी वो जो सब्सक्रिप्शन थी प्रीवियस ईयर की वो यहाँ पर एसेट रिकॉर्ड हो रही है। अपकीप ऑफ ग्राउंड, जो प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है। वेजेस जो प्रीवियस ईयर की थी वो यहाँ पर लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीवेबल था प्रीवियस ईयर का वो भी यहाँ पर एज एसेट रिकॉर्ड हो रहा है। और ये जो रेड मार्कर के साथ जो है वो दूसरे आइटम लिखे हुए हैं ये सारे वो आइटम हैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने एडजस्टमेंट से लेके आए, यानी प्रिमिसेस भी, इन्वेस्टमेंट भी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी, फर्नीचर भी, जो कमेंसमेंट के नाम से वहाँ पर गिवन थे। ये कैपिटल फंड भी वहीं पर गिवन था और ये सरप्लस भी वहीं पर गिवन था, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट हमने टैली कर ली और सारे जो आइटम थे वो हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैपिटल फंड है 49,400, यही कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देख लेते हैं। इनकम साइड पे सबसे पहले इंटरेस्ट है, उसमें करंट ईयर वाला इंटरेस्ट ऐड हुआ, प्रीवियस ईयर वाला माइनस हुआ, बैलेंस मेन कॉलम में चला गया। सब्सक्रिप्शन 8700 की थी प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन, उसमें से हमने जो है वो माइनस कर दी, तो हमारे पास जो है 8300 की जो है वो सब्सक्रिप्शन का बैलेंस आ गया। उसके बाद जो है वो प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट्स 1500 का, ये हमारी इनकम है। अब एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाते हैं। वेजेस टू ग्राउंड में 2500 की थी, करंट ईयर वैल्यू उसमें ऐड हो रही है, प्रीवियस ईयर वैल्यू उसमें से माइनस हो रही है और बैलेंस आ रहा है। रिपेयर में भी इसी तरह है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर जो इस साल का था 50 का वो उसमें ऐड हो रहा है और प्रीवियस ईयर का नहीं है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन फर्नीचर की भी आ गई, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की भी आ गई। अपकीप ऑफ ग्राउंड था 2200, उसमें प्रीवियस ईयर का 200 माइनस हुआ और 2000 आ गया।
अब ये सेक्रेटरी सैलरी इन आपका एक्सपेंडिचर है, ग्राउंड रेंट एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, इस तरह आपकी जो है इनकम साइड ज़्यादा है 10,350 और एक्सपेंसिव साइड कम है तो आपका सरप्लस आ रहा है 1060। अब आ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है उसमें सबसे पहले आप ये देखें कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड कहाँ से है, ओपनिंग बैलेंस शीट से है 49,400 का। उसमें एंट्रेंस फी हमने कैपिटलाइज करनी थी, हमने उसमें ऐड कर दी, सरप्लस भी हमने उसमें ऐड कर दिया, डेफिसिट होता तो माइनस करते। वेजेस आउटस्टैंडिंग जो इस साल की करंट ईयर की वेजेस आउटस्टैंडिंग थी वो यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ रही हैं। रिपेयर भी जो करंट ईयर के थे आउटस्टैंडिंग वो करंट ईयर की लाइबिलिटी हैं तो इस बैलेंस शीट में आ रहे हैं। एसेट साइड पर इंटरेस्ट रिसीवेबल जो करंट ईयर का था यहाँ पर आ गया। फर्नीचर उसमें से डेप्रिसिएशन हमने 200 की माइनस की और बैलेंस लिख दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2400, 10% डेप्रिसिएशन 240 माइनस की बैलेंस कर दिया। प्रीमिसेस ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा क्योंकि प्रीमिसेस का मतलब है लैंड, तो साल के शुरू में अगर थी तो साल के एंड पे भी मौजूद होगी। इन्वेस्टमेंट भी ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा क्योंकि साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट थी, अगर हमने नहीं बेची तो साल के एंड पे भी मौजूद होगी। और ये वो 31 दिसंबर वाला 5100 का बैलेंस है जो कि क्लोजिंग कैश है, तो वो यहाँ पर हमने जो है वो मेंशन करना। इस तरह इस बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 51210, 51210 दोनों साइडें जो है वो इक्वल हो जाएंगे।